इस कोरोना महामारी के दौर में भी लोग कितने बेपरवाह हैं, इसका ताजा उदाहरण आज सावनेर के कोल माइंस एरिया में दिखाई दिया। सावनेर कोल माइंस द्वारा निर्मित इको पार्क, जिसकी प्रशंसा देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात इस कार्यक्रम में कर इस इको पार्क के निर्माणकर्ताओं वेकोली अधिकारी कर्मचारियों को बधाई भी दी थी। और इसी इको पार्क के आगे से गुजरने वाली सड़क के किनारे एक दो नहीं अनेक उपयोग में लाई गई पीपीई किट रस्ते पर लावारिस अवस्था में फेंकी दिखाई पड़ी और उन्हें आवारा पशु एवं इको पार्क के करीब जंगलों में रहने वाले वानर इससे खेलते नजर आ रहे हैं। ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमण से बचने या संक्रमित मरीजों के करीब जाने हेतु उक्त पीपी किट का उपयोग किया जाता है। वैसे तो आमतौर पर इनका उपयोग अस्पताल और कोविड सेंटरों में बड़े पैमाने पर किया जाता है तथा कोई परिजन किसी अपने कोरोना संक्रमित को अस्पताल या घरों में मिलने जाता है तब भी इसका उपयोग किया जाता है और इसके उपयोग के बाद इसे सुरक्षित स्थान पर नष्ट करने की हिदायत भी दी गई है। फिर भी लोग इतने बेफिक्र हो रहे हैं कि इन उपयोग में लाई गई जीवन सुरक्षक पीपी किट अब वेकोली निवासी ही नहीं तो आम नागरिकों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। वेकोली के इको पार्क में लावारिस तौर पर पड़ी इन जानलेवा पीपी किटों को सुरक्षिता पूर्वक नष्ट करने तथा संपूर्ण वेकोली परिसर ही नहीं तो तहसील के हर राज्य व राष्ट्रीय महामार्ग को जांच की जाए। ऐसी जानलेवा पीपी किट अन्य स्थानों पर तो पड़ी नहीं है। उक्त पीपी किट लावारिस तौर पर फेंकने वालों की भी जाँच तथा फेंकने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग उठने लगी है। BCN न्यूज़ के लिए सावनेर से संवाददाता किशोर ढुंडेले की रिपोर्ट।